हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर वीडियो। अरे कैसे करता है तू? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डे विद अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है हमारे को नए ब्लॉग में। तो सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। चलो बैठ जाओ, जाओ जाओ जाओ, अब मैं कर लूंगा। ट्रैवल ब्लॉग है ना, ट्रैवल ब्लॉग है, मैं संभाल लूंगा। आपको प्रॉमिस किया था ना, प्रॉमिस किया था कि एक ट्रिप साथ, जय श्री राम। अगली ट्रिप साथ हो गई है और अयोध्या की हो गई है, बस बैग पैक करके निकल गए। ये दिवाली अयोध्या वाली, जय श्री राम। इस बार 11 तारीख को भाई का बर्थडे भी है, तो बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। इस बार दिवाली पे करेंगे बर्थडे सेलिब्रेट भाई का, एक नंबर का। और इसका बैग दिखा दो यार, एक बार बैग दिखा दो। नारायण दे भाई। भाई तीन तीन मंजिल का तो बैग लेकर जा रहा है भाई, राम भगवान के घर लेके आना है। तो बैग में तो वैसे भी नहीं आएंगे, दिल में आएंगे, दिल में। हाँ जी गाइस, तो अब हम बस बस में बैठ गए और अब निकल जाएंगे अयोध्या। दिवाली पे जा रहे हैं अयोध्या। एक हार्ड वर्क खुद को कह रहा है मेरे साथ, पागल दिमाग सा, ये गालियां पढ़वाए। तो में बस में कौन मिला? रियल इंडियन वॉरियर। भैया कौन सा गेम खेलते हो? लूडो। और अभी कहाँ जा रहे हो? अब लातिया जा रहे हैं, यूरोप खेलने। यूरोप खेलने जा रहे हैं सारे। ऑल द बेस्ट बोल दो भैया को, और होप करते हैं इंडिया यहाँ पे भी आग लगा दे। ठीक है, जीत हो गए, जय श्री राम। अब हम जा रहे हैं अयोध्या दिवाली में। भाई का बर्थडे है 11 को, हम प्रे करके आएंगे भाई जरूर जीते, इंडिया जरूर जीते, क्योंकि भाई है, इंडिया है, तो सब है भाई। ठीक है, ठीक है। तो आप लोग भी भाई को कांग्रेचुलेशंस कर दो और वो कर दो, ऑल द बेस्ट कर दो। भैंस क्या जीतना चाहिए इंडिया, बस और तो कुछ होना हो, इंडिया जीतना चाहिए। A few moments later. हां जी गाइस, वे बज गए। पौने छह, पौने छह बज गए और हम अयोध्या जा रहे हैं। अब दिखाए नई दिल्ली का जो माहौल है सुबह सुबह का, बहुत ही प्यारा। और भाई मेरी ये तबीयत खराब थोड़ी जी, कल नहीं हो जाएगी ठीक कर देंगे। कल मैंने 7 गोली खाई, कल मैं 2 घंटे में मान लो मैं 7 गोली खा के ठीक होऊंगा मैं। अब बस फटाफट से ट्रेन पकड़ रहे हैं, अपनी सीट लपेटेंगे, जाकर सो जाऊंगा मैं। ट्रेन में जाकर मिलेंगे आप लोग, ठीक है। स्टेशन कहाँ है? स्टेशन तो आई सड़क ऐसे भाई, और तो कुछ नहीं है यहाँ पे। वो कह रही छोटा स्टेशन होगा, छोटे के लिए भी स्टेशन तो होना चाहिए जी भाई। सियावर रामचंद्र की जय। भाई साहब अयोध्या नगरी, अयोध्या अयोध्या फाइनली रीच द अयोध्या। रात को पहुंचे हम, क्या टाइम हो गया? शाम हो गई है। और क्या मजेदार यार, मेरी थकावट दूर होगी राघव देखते यार। अरे कंट्रो को This is Ayodhya, भाई साहब 2023 की रौनक अयोध्या। Who says come to Dubai? We says come to Ayodhya. Ayodhya में जो दुबई में कहा। तो ये हमारा स्टे, यहाँ हम करेंगे स्टे। और ये है जानकी महल, ये राघव जा रहा वीडियो बनाता हुआ। हाँ जी, ये देख लो पीछे का व्यू, एक नंबर का। इसके बाकी मैं सिनेमैटिक शॉट डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। और इतना सुंदर लग रहा है ना यार अयोध्या, इतना सुंदर लग रहा है। राहो क्या कहना चाहेंगे अयोध्या के बारे में? अभी नहीं कहूँगा, अभी देखने दे, अभी पहले ढंग से देखेगा ये। लेट अस एंजॉय। द नेक्स्ट मॉर्निंग, निकल लिए अपने रूम से फटाफट। माइक के बिना आज हो जाएगा रिकॉर्ड, अभी बाहर जाएंगे तो माइक लगा देंगे। अब क्या हो गया? नहीं ज्यादा नहीं फैलना, देखियो उसका कैसा लग रहा है फैल का भाई। 10 रुपए बर्बाद। कोई बात नहीं, हम जिस मंदिर में रुके हुए हैं ना, जिस धर्मशाला में रुके हुए हैं, धर्मशाला बहुत अच्छी है। मेरी माता का फोन आ रहा है, रुको।
हाँ भाई आ गए हैं बाहर अब कुछ खाने के लिए, और यहाँ पर अभी जस्ट आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मस्त सी, क्योंकि मैं इसको दिखा के आया फटाफट से। ये देखो यहाँ पे लग रहे हैं दिए, और ये देखो ये सारे दिए लग रहे हैं यहाँ पे, यूनिवर्सिटी के बच्चे भी यहाँ पर भी लगाएंगे सारी जगह, और ये सारी जगह दिए दिए लग रहे हैं। और ये अभी अभी सरसों का तेल आया दिए जलाने के लिए, ठीक है। तो राघव और मेरा मानना है कि हम दोनों कुछ दिए डोनेट करते हैं यहाँ पे, मतलब श्रद्धा करते हैं अपनी, डोनेट कहेंगे ना, दिए डोनेट ही हो गए ना, वी आर कंट्रीब्यूटिंग इन वर्ल्ड रिकॉर्ड। वर्ल्ड रिकॉर्ड देख रहे हो, राघव के बर्थडे पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है, पावर है भाई। क्या बात बोली है, पावर है भाई, हमारा तो डायल होगा, पावर है भाई। खाना खाया अयोध्या भोजनालय में, ये भैया की शक्ल देख लो बिल्कुल घाट के जो सामने है। राघव खाना कैसा था? ₹100 और हमने क्या क्या खाया, हमने 2 प्लेट भटूरे खाए, 2 प्लेट टिक्की खाई, कोल्ड ड्रिंक पे खाया था, अरे पीने भी कल इस पे खाया था, कल इस पे खाया था, ये तो बेकार था सच में बेकार था। यहाँ पे भटूरे खाए, भटूरे नहीं थे उस पर। ये देख ले हरकत कर रहा है ना, फिर ये फिर से हरकतें कर रहा है, मैं मारूंगा इसके, फिर तुम कहोगे छोटे भाई, छोटे भाई को क्यों मार रहा है, लड़ाई होगी इसकी मेरी राघव मेरी, बड़ी मुश्किल से मनाया मैंने इसको, सरयू नदी में डुबा के मारूंगा इसको, और मेरे को तो सही में तैरना नहीं आता, मेरे को तो आता है, सरयू मैं सरयू कर रहा था बड़ी देर से, सरयू नदी होता है कौन सी सरयू, देखो अरे वो बोटिंग करनी है, नहीं हम तो स्विमिंग करेंगे, बोटिंग ये देखो इतनी बड़ी नदी तुमने देखी, मैंने तो पहली बार देखी है गंगा के बाद, नदी है कहाँ से, पुल से कह रहा, मेरा मन कर रहा है पुल से कूद जाओ, मैं तैरना तो आता ही है, तैरना आता तो मतलब तुम यहाँ गिरा जाओ, हम सब कुछ है, हम सृष्टि के कर्ता धर्ता हम आ गए हैं बोट पे, टाइटैनिक वाला पोज मारियो, आए राज्य, अब आगे बोट पे, अब हम कर रहे हैं बोटिंग, बोटिंग के 80 रुपए पर पर्सन, 150 दे देंगे दो बंदे को, और मांगे थे पागल तब ये सी करें, अच्छा 100 मांगे थे क्या, ये लो अभी हम जाएंगे राउंड पे पूरा, बहुत बड़ा राउंड काट के आएंगे और वापस यहीं खड़े हो जाएंगे। सोच रहे हो ना हमारे कपड़े को चेंज हो गए, अब हम जा रहे हैं, राघव कहाँ जा रहे हो, कर रहा भाई मैं नींद आ रही है मेरे, नहाने जा रहे हैं हम, और बस मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि जाके ना डुबकी मार लूँ, नींद खुल जाएगी, पानी का बहाव तेज होगा, पानी का बहाव सही है, पानी का बहाव बहुत तेज होगा, तुम्हें दिखाऊँ, तुम्हें दिखाऊँ, ये देखो बहुत ज़्यादा तेज होगा, हाँ भाई ये क्या मिट्टी मार रहा है, हाय कितना गली का भाई तू, मैं यहाँ सुबह छोड़ने आया हूँ, नागोकर निकल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं कौन सी जगह सर बताओ, दशरथ महल, व्हाई इट इज फेमस, वही जाके दर्शन कराएंगे पहले आपको, फिर इसकी स्टोरी बताएंगे, हमारे पास चलता फिरता गाइड है राघव, क्यों फेमस है ये, क्योंकि खास बात बताऊं अयोध्या शहर की, ये शहर प्रॉपरली राम भगवान को डेडिकेटेड है, इसका हमें पता ऐसे चला कि आपको यहाँ पे हर दुकान की शटर पे कुछ सनातन धर्म से रिलेटेड होगा, चीज की बात कर रहे थे राघव वर्मा की, हर दुकान के शटर पर आपको अलग अलग, ये देखो इधर हनुमान जी की बनी हुई है, इधर ये देखो इधर भी, और ब्राउन कलर का ही है शटर, जैसे हम बोल रहे थे ना ब्राउन कलर का, तो ये देखो ये है अयोध्या की छोटी सी एक मार्केट, हर जगह हर मार्केट पे देखो जो शॉप बंद है ना ब्राउन कलर का है, और सबके ऊपर हर सनातन धर्म को लेकर एक ना एक कोई चित्र बना हुआ है, क्या ढूंढ यार राघव मेरे को भूख लग रही है भाई, पहले मंदिर दर्शन करते हैं ना, पहले दर्शन ओ क्या, ओके ओके, वो ये पहाड़ की चीज का है, मैं बोला कह दे हनुमान जी लेके आए, चलो जो हनुमान जी वापिस जा रहे थे ना वो संजीवनी बूटी वाला पहाड़ रखने,
थोड़ा सा यहाँ गिर गया था। चलो यार मजाक अपनी जगह है, बाकी हंसी मजाक भी चलना चाहिए यार। चूड़े धोखी तो चमक रही है। दशरथ महल की स्टोरी ये है, इसी महल के अंदर महाराज दशरथ ने श्री राम जी को 14 साल का वनवास दिया था कि आप 14 साल के लिए वनवास जाएं और जो अपना राजपाट है वो अपने भाई भरत को सौंप के जाएं। वो यही महल है, महल दिखाओ। और इसी के बिल्कुल साथ में एक रास्ता जा रहा है, वहां पे है कनक भवन। कनक भवन की भी स्टोरी आपको अलग से बताएंगे वहां जाके। वो जो मंदिर दिख रहा है वो है हनुमान गढ़ी। उसी मंदिर से बाहर थोड़ी सी आगे पैदल चलो, आपको दिख जाएगा दशरथ महल। दशरथ महल के साथ एक रास्ता जा रहा है, थोड़ी सी अंदर जाओ आपको दिख जाएगा कनक भवन। और इससे अच्छी बात, आप उस दशरथ महल के इस तरफ जाओगे तो आपको दिख जाएगा राम जन्मभूमि, जो अभी राम मंदिर। चार स्पॉट आपके इजीली एक ही जगह पर कवर हो जाएंगे। सीधी सी बात ये है, तो हमारे में सिंपल होता है घूमने फिरने का, अगर जो इन्फॉर्मेशन है वो तो यही देगा कि मेरे को नहीं पता, मैं इसके साथ आया हूँ, इसके भरोसे आया हूँ, मतलब सीधी सी बात है। बाकी अब आपको दिखाएंगे अंदर का जो भी है। गली गली सीधी सीधी आगे आपको यहाँ पर आगे दिख जाएगा कनक भवन। ये कनक भवन की है एंट्री, और ये है कनक भवन। सामने देखो कितना सुंदर भवन है भाई, सच में बहुत प्यारा है, सुंदर दृश्य है ना यहाँ पे, सच में बहुत। देखो हमने कहा था ना कि भाई अयोध्या में बहुत सारे बंदर होते हैं, पर ये किसी को कुछ कहते नहीं। हाँ, फोन निकाल लो, चश्मा डाल के घूम, वृंदावन वाले वो होते ना, माइक लेके चल लो, चाहे हाथ में खाया उसे लेके चल लो। हाँ जी, तो आ गए थे हम यहाँ पर राघव का केक लेके। राघव हैप्पी बर्थडे टू यू ब्रो, थैंक यू ब्रो। आई इसकी इच्छा थी यहाँ पे काटने की, घाट पे हाँ सब दिखाता हूँ, रुक जा तू। लो जी, पीछे का व्यू भी इंजॉय करो, साथ साथ केक भी। हाँ जी, जल गया काट, जल्दी काट, ये तो शुरू होने से पहले खत्म हो गया। हैप्पी बर्थडे, बर्थडे टू यू। फायदा उठाता है, रुक जा तू, तेरे को मैं बताता हूँ। बर्थडे इसका है, केक मेरे को लग रहा है। हाँ जी, तो कैसा लगा हमारा पार्ट वन ऑफ अयोध्या सीरीज, और अगली वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा राम मंदिर, राम जन्मभूमि, और राम मंदिर राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी मंदिर, और भी बहुत सारी जगह मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और भी बहुत सारे प्लेसेस जो अयोध्या में आप लोग विजिट कर सकते हो वो आप सभी को दिखाने वाला हूँ मैं। और हम मेन जो अयोध्या का इवेंट होता है दिवाली पे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके लिए हमें बहुत धक्के खाने पड़े, बट उस भीड़ भड़क्के में हमें दो भाई भी मिले, उनसे भी मैं आपको अगली वीडियो में मिलवाता हूँ, ठीक है। तो होप करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को जल्दी से शेयर कर देना। और अगर आप लोगों ने हमारे अयोध्या का ट्रेलर नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लेना, और अपनी फैमिली फ्रेंड्स को शेयर कर देना। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।